गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज गोइंग ऑन इन फिजिक्स फॉर क्लास 10th. इन प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड हाउ द मिरर इज फॉर्म्ड. नाउ आई विल टीच यू टुडे द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर. सो वन थिंग इज ऑब्जेक्ट हियर which gives image and another thing is image. In image formation objects, first of all, what is object? Object ka hi image banta hai. So anything which gives light rays is called object. यानी जो चीज light rays give करती है either reflection से या फिर own light उसकी होती है, that is called object. अब what is image? It is optical appearance of object. ये ऑप्टिकल अपियरेंस होता है इमेज. अब बात आती है ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके के होते हैं. भाई ऑब्जेक्ट्स दो तरीके के होते हैं. एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन में हमारे पास आएगा स्मॉलर ऑब्जेक्ट. अब स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे डॉट यानी इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक होता है बिगर या फिर कह सकते हैं लार्जर ऑब्जेक्ट. अब लार्जर ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, वो हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. वो भी अपराइट वाला होगा, यानी इसका जो है एरो जो होगा वो अपराइट होगा, यानी इसका एरो का साइन जो होगा वो ऊपर की तरफ रिप्रेजेंटेशंस देगा, उसे बोलेंगे हम ये लार्जर ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट थिंग आती है माय डियर इमेज. अब इमेज कैसे होते हैं, इमेज भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज. अब यहां पॉइंट आता है ये रियल इमेज कौन सा है. भाई जो रियल इमेज मीडिया होता है वो जो है स्क्रीन पर ऑब्टेन होता है. इट इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन होता है. और वर्चुअल इमेज कहां होता है, इट कैनॉट बी ऑब्टेन cannot be obtained on screen, ये screen पर obtained नहीं होता है, ये virtual image. तो इस तरीके से मैंने आपको objects के बारे में बताया. smaller object हो सकता है जो dots से present होगा, बिगर ऑब्जेक्ट जो एरो से रिप्रेजेंट होगा अपराइट होगा, ये ऊपर की तरफ इसका इंडिकेट करेगा. रियल इमेज ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन और वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं होता है. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट आता है माय डियर ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट होता है इट गिव्स a large number of light rays. ये large number of light rays देता है भाई, light rays देता है भाई. पर लेकिन क्या होता है, but very important, अक्सर क्वेश्चन में एक आधार पूछ भी लिया है. क्या पूछ लिया है कि ऑब्जेक्ट्स में
कितनी लाइट रेज होती हैं और कितनी लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन में वर्क ऑन होती हैं। तो इट गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज बट ओनली टू ऑफ देम, इनमें से सिर्फ दो आर यूज्ड, सिर्फ यूज्ड होती हैं वो, बट ओनली टू ऑफ देम आर यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में सिर्फ दो लाइट रेज यूज होती हैं। ये पॉइंट याद रखना माय डियर, क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ओनली टू लाइट रेज, सिर्फ दो लाइट रेज हैं, बहुत सारी लाइट रेज निकलती है ऑब्जेक्ट से, बट ओनली टू ऑफ देम आर यूज फॉर इमेज फॉर्मेशन। आई थिंक सो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां बेटा आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करता हूं बाई प्लेन मिरर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए यहां मैं बात करूंगा माय डियर, ध्यान से समझिएगा आप, कि अगर हमारे पास जैसे प्लेन मिरर के बारे में मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में, ये मेरे पास प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में यहां कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, इसको ऑब्जेक्ट डॉट से रिप्रेजेंटेड है। अब इसको बोल दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है भाई ये, और ये डॉट से रिप्रेजेंटेड है यानी बहुत छोटा है। अब कैसे बनेगा भाई, यहां पर देखो आपको ये डॉट दिखाई दे रही होगी सबको, ये मेरे पास एम एम डैश एक प्लेन मिरर है, ये जो इमेज बनेगी यहां से दो लाइट रेज जाएंगी। सबसे पहले कौन सी, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है, ओनली टू लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर यूज इन इमेज फॉर्मेशन। अब सबसे पहले क्या होगा कि यहां से एक लाइट रे जाएगी जो प्रिंसिपल जस्ट नॉर्मली आएगी, और इधर से ये लाइट रे जाएगी और वापस भी ऐसा लगेगा इट अपीयर्स दैट इट कम्स फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, ये कहीं मिरर के पीछे से आ रही है। एक लाइट रे यहां से इस तरीके से ऑब्लिकली आएगी, प्लेन मिरर पर गई, वी सपोज ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से है, ये सेम इमेज एंगल आई और एंगल आर बनेगा, ये ऐसा अपीयर होगा कि ये कहीं पीछे से आ रहा है, एंगल आई एंगल आर बराबर बन जाएगा भाई, और जहां से भी ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा यहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इमेज, यहां इमेज बन गई। दैट्स क्लियर, मैं समझता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी यहां पर हम बात कर रहे थे, मैंने भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बात करी थी, मैं भी यहां रिपीट कर रहा हूं दोबारा पॉइंट, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बताया था हमने, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने यहां पॉइंट बताया था कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है तो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी और नॉर्मल से सेम एंगल बनाती जाएगी, ये दूसरा लॉ बताया था। अच्छा एक और यहां पॉइंट था कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, लेकिन जो लाइट रे आती है कहीं पीछे से आती हुई दिखाई देती है जबकि ये रिफ्लेक्ट यहीं से कर रही है। अच्छा यहां दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मली आती है, नॉर्मल पे ही आएगी, तो क्या होगा, ये सीधी वापस अपने रास्ते लौट जाएगी, इधर से आएगी इधर से वापस लौट जाएगी, यानी यहां पर एंगल आई और एंगल आर कैसा होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि यहां पर इंसिडेंस भी यही है नॉर्मल भी यही है, तो इनके बीच में कोई एंगल बना ही नहीं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब ये यहां पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऐसा लग रहा है कि यहां से कहीं से पीछे इंटरसेक्ट कर रही है, तो द पॉइंट जहां पर दोनों लाइन ऐसी लग रही है सीम्स टू इंटरसेक्ट, वही पॉइंट इमेज फॉर्मेशन का है, वही इमेज बनी है। अब यहां इमेज कैसी बनी भाई, वर्चुअल बनी, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, ये इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहीं पर मैं एक और पॉइंट बात करता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो क्या करेंगे भाई, चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है बड़ा, देखिए ये प्लेन मिरर है और अब की बार यहां पर एक कोई मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज कीजिए कोई नॉर्मल है, और ये लाइट रे
तरीके से आगे जा रही है, सॉरी लाइट रे नहीं है, ये नॉर्मल है माय डियर। अब यहां पर तो ये कॉमन सा पॉइंट है कि इधर से लाइट रे जाएगी तो इधर ही वापस लौटेगी। अब यहां ऑब्जेक्ट कैसा है भाई, ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, बड़ा ऑब्जेक्ट है भाई, जो एरो से रिप्रेजेंट होता है ए और बी। अब यहां से देखेंगे ये प्लेन मिरर है एम एम डैश। अब यहां क्या होगा, सबसे पहले ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, तो यहां से भी दो लाइट रेज जाएंगी भाई, एक लाइट रे ये जाएगी, क्लियर हो रहा होगा आपको, एरो बन रहा है। अब ये कैसे जा रही है, नॉर्मली जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया नॉर्मली जा रही है भाई, तो ये नॉर्मली जा रही है, तो क्या होगा पीछे से कहीं से आता हुआ अपीयर होगा, ये लाइट रे गई पीछे से आती हुई मुझे अपीयर होगी, इस तरीके से वापस लौटेगी अपने रास्ते। एक लाइट रे इसकी क्या होगी, यहां पर आ गई, जब ये लाइट रे यहां आ गई यानी यहां से दो लाइट रेज बनी है भाई, एक सीधी नॉर्मली गई और एक ऑब्लिकली इस तरीके से आ गई, यहां पर ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहां से ये सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन ऐसा अपीयर होगा ये कहीं पीछे से आ रही है, क्या हो रही है, मैं थोड़ा सा साफ सा बना रहा हूं, ये कहीं पीछे से आ रही है भाई, दैट्स क्लियर, मिरर के पीछे से ये लाइट रे आ गई, ये सेम एंगल बन रही है भाई, एंगल आई और एंगल आर। अब यहां माय डियर दूसरा पॉइंट आता है बी पॉइंट, एक ए पॉइंट से दो लाइट रेज निकल रही है, मैंने बोला ओनली टू लाइट रेज आर यूज, बट ऊपर के पॉइंट से दो लाइट रेज आ रही है, नीचे के पॉइंट से भी दो लाइट रेज आ रही है। अब पहली लाइट रेज आ रही है नॉर्मली, कैसी जा रही है नॉर्मली, जो सीधी जाएगी और पीछे से कहीं आती अपियर होगी, ये क्लियर हो गया। और दूसरी लाइट रे यहां बी से कहीं इधर जा रही है भाई, ये लाइट रे एक और आ गई भाई, अब ये लाइट रे क्या होगा, ये भी पीछे से कहीं से आती अपियर होगी, ये लाइट रे करीब यहां से कहीं से अपियर होगी, और फाइनली इक्वल एंगल या दूसरा नॉर्मल है भाई, ये एक और नॉर्मल है, ये अलग नॉर्मल था ठीक है, तो ये यहां आती अपियर होगी हमको, तो यानी जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो ए पॉइंट हो जाएगा और जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो बी पॉइंट हो जाएगा, इसको बी डैश बोल देंगे, और यहां एरो का निशान बना दिए, ये ए डैश हो जाएगा। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हमारी हो गई कि वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज बिगर, अब ये ए बी थोड़ा बड़े साइज का है, एरो से रिप्रेजेंट किया, पहले ए से एक लाइट रे गई और वो पीछे से आती हुई हमें अपियर होगी, इसी तरीके से ए से एक लाइट रे ये वाली गई, ये यहां से भी वापस लौटती, ये यहां से जो है सेम एंगल बनाते हुए जो पीछे से कहीं आती हुई दिखाई देगी, जहां इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज ए डैश, ए का बन जाएगा ए डैश। अब नेक्स्ट पॉइंट आया बी, बी से एक नॉर्मली जाएगी, जो वापस नॉर्मली आएगी तो वापस उसी रास्ते लौटेगी। नेक्स्ट एक और पॉइंट आएगा, ये यहां से जाएगी ऑब्लिकली, तो ये भी कहीं पीछे से आती हुई दिखाई देगी, जो अपीयर होगी सेम एंगल बनाती हुई आएगी, ये एंगल आई और एंगल आर, इस तरीके से ये सेम एंगल बनाती जाएगी, यानी दो जगह ये काम हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहे हैं और ये बड़ी इमेज बन गई। अब यह मेन बात आती है, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से, अब यहां मैं पॉइंट नोट कर लेता हूं, हमने क्या क्या चीज ऑब्जर्व किया, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से हमने क्या देखा भाई, पहला पॉइंट हमने यहां देखा, फर्स्ट पॉइंट देखा कि जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, इमेज सॉरी फॉर्म तो ऊपर लिख दिया मैंने, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, कहां बनती है बिहाइंड द मिरर, इसे हम बोल सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, कैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं आप लोगों को बता दूं ये वर्चुअल इरेक्ट क्या है, वर्चुअल का मतलब जो स्क्रीन पर नहीं बन रही इमेज, आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, और इरेक्ट का मतलब है अपराइट, ऊपर की तरफ बनती है, कैसी बनती है ऊपर की तरफ, इसका एरो किधर है ऊपर, इधर भी ऊपर था इधर भी ऊपर, इरेक्ट बनती है, दैट्स क्लियर। और इसका जो साइज होता है भाई वो साइज कैसा होता है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज इज इक्वल टू
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनती है इसकी। दैट्स क्लियर, पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट, जो इसका जो डिस्टेंस है माय डियर, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही उसके पीछे होगा। तो कैसे हम लिखेंगे इसको कि प्लेन मिरर से जो भी इसका साइज बनेगा, साइज तो सेम हो गया सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना डिस्टेंस में बनेगा, तो बोलेंगे इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, वो तो ऊपर लिखा हुआ है ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस एज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, जितना ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है उतना ही सेम डिस्टेंस बनेगा। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, सॉरी यहां पर कैसे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर कैसा बनेगा भाई, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा भाई ठीक है, बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी यहां पर ये तीन चार बातें हमने देखी कि जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो मिरर के पीछे होगा, पहला पॉइंट। तो ये बात अगर नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर हमने यहां लिख दिया है ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। वर्चुअल इरेक्ट बनेगी क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, अपराइट बन रही है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब इरेक्ट बन रही है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसी से बन जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। यहां मेन पॉइंट जो आते हैं यही आएंगे, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट होगा साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अच्छा एक और यहां पर करेक्टरिस्टिक्स बनती है, मैं वो पॉइंट और नोट कर देता हूं, क्या बनेगा, यहां मेन पॉइंट की बात बता देता हूं कि जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के द्वारा, इमेज जो बनेगी प्लेन मिरर द्वारा वो कैसी बनेगी माय डियर, वो बनेगी लेटरली इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड। ये इसका क्या मतलब है भाई, लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है अगर हम राइट हैंड ऑब्जेक्ट है हम और प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, राइट हैंड को अप ऊपर करते हैं, अगर हम रेज करते हैं तो इमेज में लगेगा कि लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है। यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग बोल सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड को, क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि ये साइडवेज रिवर्स हो रहा है, यानी इसकी साइड्स रिवर्स हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर नीचे आ जाए पैर ऊपर हो जाए, उल्टा नहीं होगा, क्या होगा साइड रिवर्स हो जाएंगी, यानी राइट साइड लेफ्ट दिखेगी और लेफ्ट साइड राइट दिखेगी। शायद मैं समझता हूं आपको प्लेन मिरर के बारे में क्लियर हो गया होगा। इट्स ओके, नेक्स्ट इन अदर वीडियो।